इस वीडियो में आज आप एक ऐसा शेपर्ड देखने वाले हैं जो इंडिया में शायद आपने कभी देखा नहीं होगा। इट इज कॉल्ड द डच शेपर्ड। डच शेपर्ड एक ऐसा डॉग है जिसका ड्राइव बेल्जियम मेलिनॉज या जर्मन शेपर्ड किसी से भी 10 गुना ज़्यादा होता है। बहुत ही कॉम्पैक्ट ब्रीड है और बहुत ही सुलझी भी, और उतनी ही पावरफुल इसकी बाइट होती है। जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट है दुनिया के, यहाँ तक कि इंडिया में भी, डच शेपर्ड्स को अब लाया जा रहा है, और इसकी जो ट्रेनिंग है किस तरह की जाती है ये सारी चीज़ें आप देखेंगे इस वीडियो में। अभी रिसेंटली हम लोग गए थे K9 वुल्फ मास्टर, जो कि रन किया जाता है राजेंद्र चौहान के थ्रू और उनके छोटे भाई दीपक चौहान के थ्रू। दीपक चौहान एक ऐसे बंदे हैं जो बेल्जियम मेलिनॉज और डच शेपर्ड्स दोनों को कंट्रोल करते हैं और काफ़ी एग्रेसिव डॉग्स को भी। लेकिन वहीं उनके जो बड़े भाई हैं राजेंद्र चौहान, वो सिखाते हैं कि प्रोटेक्टिव स्पोर्ट्स में किस तरह डच शेपर्ड को यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर उनकी जो डच शेपर्ड थी जेड, उसको हमने देखा। एक मिनट के लिए वो हमारे से मिली, बहुत प्यार से मिली, हमें चाटा भी, सब कुछ किया। लेकिन जैसे ही मैंने बाइट सूट पहना, जेड ने अपना असली रूप दिखाया। वो भागते हुए आई, नाना करते हुए एटलीस्ट 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और जब उसने लीप लिया और मेरे शोल्डर पे अटैक किया और वहीं लटक के रह गई। एंड आई मेड श्योर कि ज़्यादा पेन ना हो, ये ना हो, बाइट सूट काफ़ी स्ट्रांग था। लेकिन उस कैविलार के बाद भी मुझे ये हल्का सा ब्रूज आया। बहुत ही फन लविंग एक्ट था, लेकिन उस डॉग के अंदर जो इंटेंसिटी थी, उसने मुझ जैसे एक डॉग बिहेवियर्स को भी हिला के रख दिया था। मेरा कहने का ये मतलब है कि 1800 सदी की ये जो ब्रीड आई थी डच शेपर्ड, जो नेदरलैंड के एक रूरल एरिया से डेवलप की गई, जहाँ पे भेड़ बकरियों को कंट्रोल करने के लिए और गार्डिंग के लिए यूज़ किया जाता था, आज वही डॉग दुनिया के अलग अलग रेस्क्यू सेंटर्स में यूज़ किया जा रहा है, अलग अलग पुलिस डिपार्टमेंट्स में यूज़ किया जा रहा है, मिलिट्री में यूज़ किया जा रहा है। हर वो जगह जहाँ पे डॉग्स इंसानों को टक्कर दे सकते हैं और उनके कंपेनियन बनके रेस्क्यू वर्क से लेके टेररिस्ट फाइट से लेके बाइट अटैक से लेके स्निफिंग ग्राउंड से लेके बॉम्ब डिटेक्शन से लेके हर चीज़, ये डॉग कई और डॉग ब्रीड से बेहतर करता है। इस डॉग की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इस डॉग को अगर आप ले रहे हैं तो मेक श्योर करें इसको अच्छा खासा वर्कआउट दीजिए, खेलिए इसके साथ। बहुत अच्छा फैमिली डॉग है, बहुत अच्छा कंपेनियन है, लेकिन एटलीस्ट दिन में 2 घंटे वर्कआउट देना जरूरी है। इसके अंदर बेल्जियम मेलिनॉज से ज़्यादा ड्राइव होती है, जो मैंने खुद फील किया है, लेकिन ये उससे ज़्यादा शांत भी होते हैं। डच शेपर्ड्स का जो माइंडसेट है वो जर्मन शेपर्ड और बेल्जियम जैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो एक अपना अलग माइंडसेट है। ये इतना अच्छा फैमिली डॉग है कि घर के जो बच्चे होते हैं वो तक इनके साथ रह सकते हैं इजीली। ऐसा नहीं है कि बेल्जियम और जर्मन के साथ नहीं रह सकते, लेकिन इसके साथ अलग लेवल पे रह सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बच्चा अगर एक डच शेपर्ड के नाक में उंगली भी डाल रहा है और एक ट्रेन डच शेपर्ड है, तो उसको अटैक नहीं करेगा। यही चीज़ मैंने वहाँ पे देखी जब मैं वहाँ पे था बंटी भैया के साथ, राजेंद्र भैया के साथ, कि उनकी जो जेट थी वो बहुत ज़्यादा चुलबुली थी, खेलना चाहती थी बॉल से, हर चीज़ से, लेकिन जब काम करने की बारी आई तब उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ मैं था। उसकी जो बाइट थी, उसकी जो इंटेंसिटी थी, उसकी जो जंपिंग थी हर्डल्स को पार करने की, जो उसकी ओबीडियंस थी, वो नेक्स्ट लेवल थी। तो मेक श्योर करें, इफ़ यू गेटिंग अ डच, देन यू नीड टू बी अ डोमिनेंट एंड अ डिसिप्लिन्ड मैन और अ वुमन, क्योंकि ये हर बंदे के लिए नहीं बना। ये ध्यान रखिए जो मैं बोल रहा हूँ। और डच शेपर्ड की ग्रूमिंग की अगर बात करें, डच शेपर्ड को दिन में 2 बार ग्रूमिंग की जरूरत होती है। शॉर्ट कोट होता है इनका, इजिली ग्रूम हो सकता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। डच शेपर्ड का एक्सरसाइज रूटीन बताऊँ, अगर आप डच शेपर्ड लेके आते हैं अपने पास, मेक श्योर करें कि दिन के 3-4 घंटे आपके पास खाली होने चाहिए, जिसके अंदर आप उसके साथ खेलें, कूदें और उसे ओबीडियंस की ट्रेनिंग दीजिए। 1.5 साल से लेकर 2.5 साल की एज तक इनके लिए ट्रेनिंग मस्ट है। दे आर वन ऑफ द बेस्ट गार्ड डॉग्स, वन ऑफ द बेस्ट हर्डिंग डॉग्स, वन ऑफ द बेस्ट रेस्क्यू डॉग्स, वन ऑफ द बेस्ट थेरेपी डॉग्स। तो इन सब का जो कॉम्बो है उसको चैनल करना आना चाहिए आपको, या फिर राजेंद्र चौहान जैसे अलग अलग PSA डॉग ट्रेनर्स के पास आप जाके इन सीख सकते हैं कि वॉकिंग लाइन डॉग्स क्या होते हैं, उनके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या
क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और क्या क्या उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। इस डॉग की अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ, ये इंडिया में बहुत महंगे बिकते हैं क्योंकि ये आते ही नेदरलैंड से हैं। अब इनकी भी कॉस्ट मोटा मोटा अराउंड 1,00,000 रुपये से लेके 1,00,000 तक वेरी करती है। कई ऐसे ब्रीडर हैं जो क्रॉस ब्रीड्स करके जर्मन शेपर्ड और किसी और के साथ क्रॉस करके सस्ते सस्ते 10,000-10,000 के डच शेपर्ड्स मार्केट में लेके आते हैं, लेकिन प्लीज़ उन सबको मत लीजिए। आपके सामने सिर्फ और सिर्फ यही शो होगा कि डच शेपर्ड एक ऐसी डॉग है जिसे आप देख के नहीं पहचानेंगे, लेकिन उसके इंटेंसिटी से पहचानेंगे। उसका पपी भी जो होता है, जब आता है तो लगता है कि एकदम नॉर्मल सा बच्चा है, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता रहता है आपको समझ आती है कि उसकी ड्राइव कितनी खतरनाक है। ऐसे डॉग ब्रीड्स के लिए हमें ज़रूर फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करिए और मेक श्योर करें कि अगर आपको जानना है डॉग ब्रीड्स के बारे में या डॉग वर्ल्ड के बारे में या बिहेवियर के बारे में, सिर्फ और सिर्फ TUC को वॉच करें।